का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि क्लास सेवेंथ स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने जैसे, है ना, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वन बना सके। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने कभी देखा है ना कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? हमारे ही जैसे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो कैट जैसे हो जाए या डॉग जैसे हो जाए। उसी तरीके से कैट या डॉग के बच्चे उनके ही जैसे होते हैं। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसकी वजह से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को आगे बनाता है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लांट का स्ट्रक्चर समझ लें कि प्लांट होता कैसा है। तो देखा तो आप लोगों ने सपने ही है कि प्लांट कैसा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं। जैसे आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, है ना? तो इसमें क्या है? इसमें ये आप देख रहे हो कि ये एक स्टेम है ना, और इसमें क्या है? ये एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नोड। और नोड से क्या अटैच है? नोड से लीफ स्टॉक अटैच है, है ना? ठीक, और इसके बीच में जो मेन स्टेम है और जो इसकी ब्रांच है, मतलब जिसे लीफ अटैच्ड है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सिल। क्या कहेंगे? एक्सिल। और इनके बीच में एक बड है। इसके बीच में क्या होती है? बड होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, या वेजिटेटिव बड भी कहते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके बारे में अभी मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप बस ये समझ लो कि प्लांट में क्या क्या होता है, और इसके टॉप पे क्या है? एक टर्मिनल बड है जिसकी वजह से ये जो प्लांट है वो लंबाई में बढ़ता है। ठीक है, ये टर्मिनल बड बाद में जाके फ्लावर में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और ये जो वेजिटेटिव बड है या एक्सिलरी बड है, ये ज्यादातर क्या बनाती है? ये ब्रांचेस बनाती है, स्टेम की ब्रांचेस बनाती है जिसपे लीव्स होती है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? स्टेम, लीव्स और रूट। कौन कौन से हैं? स्टेम, लीव्स और रूट, ये है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, ये आप याद कर लेना। और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। तो कौन सा हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हो गया प्लांट का वो हो गया फ्लावर, और जो वेजिटेटिव पार्ट है वो हो गया स्टेम, लीव्स और रूट। ठीक है, तो ये आपने यहां समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे? अब हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझने से पहले आप ये जान लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, मतलब सिर्फ एक प्लांट, मतलब दूसरे प्लांट की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ जो एक प्लांट है उसी से एक नया प्लांट बन जाता है। तो उसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, और दूसरा इसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत हुई, और इसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती है नए प्लांट को बनने के लिए। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम किस पे आ गए? अब हम आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स की जरूरत होती है, मतलब एक फीमेल की भी जरूरत है और मेल, मतलब फीमेल प्लांट की भी जरूरत है और मेल प्लांट की भी जरूरत है। जिसमें दोनों होंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और क्या होगा? और ये होगा इसमें कि इसमें सीड की जरूरत होगी।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट को बनने के लिए सीड की जरूरत है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट को बनने के लिए सीड की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए। क्लियर? तो ये आपने इसके बारे में भी समझ लिया और इसका डिफरेंस भी जान लिया। तो आज की क्लास में हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो गए, फोर टाइप के। ये देख रहे हैं आपको, फर्स्ट क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकेंड है बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन और लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन। तो आज हम सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टेम, लीव्स एंड रूट। तो इनके थ्रू जब कोई नया प्लांट बनता है, मतलब इन पार्ट्स के थ्रू जब कोई नया प्लांट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? अब हम ये समझेंगे कि वन बाय वन, मान लो हमने स्टेम ले लिया। ठीक है, तो स्टेम के थ्रू कैसे नया प्लांट बनता है, तो इसका एक एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो तो आपने सबने देखा, आलू सबने देखा। आलू कैसा होता है, एक मोटा सा, अगर आप देखो तो एक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा मोटा सा होता है ना। वो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड होता है स्टेम के अंदर, है ना। जो पोटैटो का प्लांट होता है उसमें फूड कहाँ स्टोर्ड होता है, वो उसमें फूड जो होता है वो स्टेम में, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टेम में स्टोर्ड होता है। और वो स्टेम कहाँ होता है, अंडर द ग्राउंड, मतलब सॉइल के नीचे होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्यूबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्यूबर कहते हैं। तो आलू तो आपने सपने देखा है, पोटैटो उसमें देखा है ना, छोटे छोटे स्कार्स होते हैं, ऐसे ये स्कार्स दिख रहे हैं ऐसे, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं ना, आई कहते हैं। अब इस आई को अगर मतलब हम पोटैटो का वो पार्ट काट दें जिसमें आई है, ठीक है, हमने एक पोटैटो लिया उसका वो पार्ट काटा जिसमें आई है और उसको हमने क्या किया, मॉइस्ट सॉइल के अंदर उसको डाल दिया, मिट्टी के अंदर हमने उसको डाल दिया और कुछ दिन तक उसको हमने पानी दिया और उसको अच्छे से केयर की, तो क्या देखा हमने कि उसमें से एक नया प्लांट आ गया। ये देखो नया प्लांट निकल रहा है, तो इसमें किसी पेरेंट की जरूरत नहीं हुई, एक ही पेरेंट, सॉरी, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत हुई, मतलब जो प्लांट था, एक जो मेन प्लांट था उसी के स्टेम को हमने क्या किया, विद आई हमने जमीन में गाड़ दिया, मतलब मिट्टी में डाल दिया और उसके बाद, उसके कुछ दिनों के बाद उसमें से एक नया प्लांट आ गया, मतलब इसमें हमको दूसरे प्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ, किसमें, स्टेम में। तो क्योंकि पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है जिसे हम ट्यूबर भी कहते हैं। इसी तरीके से मॉडिफाइड रूट्स भी होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट में भी खाना रखते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं, रूट में। प्लांट्स कभी स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, कभी रूट में कर लेते हैं, किसी में लीव्स में कर लेते हैं, है ना। तो जो ये जो है रूट है, अब ये रूट देख रही है आपको, ये किसकी है, ये स्वीट पोटैटो की रूट है। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो फूड है वो स्टोर्ड है, इसलिए ये भी फुला हुआ सा मोटा थोड़ा दिख रहा है ना। तो इसके अंदर से भी जब इसको भी हम जमीन के अंदर डाल देंगे या सो कर देंगे तो क्या होगा, इसमें से भी नए प्लांट आ जाएंगे। तो इसका क्या एग्जांपल है, जैसे स्वीट पोटैटो है और इसमें डहेलिया है, तो ये क्या है, ये रूट के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये समझ गए हम। इसके बाद क्या है, इसके बाद लीव्स। ठीक, अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स है, जैसे ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में क्या होता है, बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफिलम की, कि जो इसकी लीव्स हैं, इसके मार्जिन पे, ये लीव देख रहे हैं, इसके मार्जिन पे क्या हो जाती है, कुछ बड आ जाती है। ठीक, अब जब ये लीफ बहुत मेच्योर हो जाती है, मतलब पेरेंट प्लांट की जो लीफ होती है जब वो बहुत मेच्योर हो जाती है तो वो क्या होती है, फाइनली फॉल ऑफ हो जाती है, मतलब जमीन में गिर जाती है, और फिर जो इसकी बर्ड्स होती है वहां पर एक नया प्लांट बना लेती है। तो इससे क्या हुआ कि लीफ से ही नया प्लांट बन गया, है ना, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कभी कभी क्या होता है, जब ये गिरती भी नहीं है, ये प्लांट पे ही रहती है, तब भी इसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स हमको दिखने लगते हैं, लीफ जब प्लांट पे अटैच्ड होती है तभी, और जब ये फाइनली फॉल ऑफ होती है और जमीन पे गिरती है, है ना, मिट्टी पे गिरती है, तो यहां से एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लीफ के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये किसमें होता है, ब्रायोफिलम में,
और एक प्लांट और है जिसका नाम है बिगोनिया। तो बिगोनिया में भी लीफ के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू नए प्लांट को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो इसमें स्टेम में क्या क्या समझा हमने, स्टेम में हो गया पोटैटो और इसी तरीके से अनियन का बल्ब होता है, उससे भी नया प्लांट बनता है ना। अनियन के बल्ब को अगर हम जमीन के अंदर डाल देंगे और उसके बाद उसमें पानी वगैरह डालेंगे कुछ दिनों तक, तो उसमें से नया प्लांट बन जाएगा। और रूट में क्या हुआ, रूट में हमने समझा जैसे स्वीट पोटैटो है और क्या था, और था डहेलिया, है ना। और इसी तरीके से लीव्स में हमने क्या समझा, लीव्स में ब्रायोफिला और बिगोनिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे कि किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस प्लांट में किसके थ्रू होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना कि कौन कौन से प्लांट में स्टेम्स के थ्रू होता है, किस किस प्लांट में रूट के थ्रू होता है और किस किस प्लांट में लीव्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमने समझा आज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। और अब नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत क्लियरली आपको ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है। और क्या करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।